बाद में आपको स्टूडियो बताऊंगा कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कैसे सेव कर सकते हैं, या फिर हम वर्ड के डॉक्यूमेंट को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो भी वर्ड की फाइल है, उसको हम यहाँ पे फिलहाल ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद में उसकी पीडीएफ फाइल बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसको सेव करना होगा। सेव करने से पहले हम इसको फाइल का कोई भी नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद उसको हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं उसकी लोकेशन ले लेते हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ पे सेव एज टाइप ऑप्शन में आना है। यहाँ पे हमें एक पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ आपके 2007 से अबव वर्जन था, यहाँ पे आपके पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसको आपको पीडीएफ की ईएक्सई यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेव एज पीडीएफ ईएक्सई है, जिसका मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे आइकन में दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको ये नेट से पीडीएफ की सेव एज फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। और एमएस ऑफिस 2007 से अबव वर्जन में ये पीडीएफ पहले से इंस्टॉल आता है। तो हमें यहाँ पे सेव एज टाइप के अंदर पीडीएफ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। फिर आप देखेंगे हमारी जो फाइल थी ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से हम एमएस वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।